We will take more questions on the gate and let's solve them. So here it is saying that if L1 is context-free language and L2 is regular language. So L1 is context-free and L2 is regular language. Which of the following statement is or are false? So the first is saying that L1 difference L2. So this is the context-free and this is the regular. If I take the difference of the context-free with the regular, let's say this is the circle. And this is representing context-free. And let's say this is a regular one. So the difference context-free minus R will be this part, which is actually the context-free. And what it is saying that L1 minus L2 is not context-free. So since we have to select the false statement, so yes, this is the false statement. We कह रहे कि context-free नहीं, लेकिन ये तो context-free होगा. L1 intersection L2 is context-free. Okay, so L1 intersection L2 means we have context-free language. If we take the intersection of regular language with it, so this will be context-free. So this statement is true, but we have to select the false statements only. So now L1 complement is context-free. So अगर हमने L1 language लिया जो कि context-free है और इसका अगर हम complement लेंगे, so ये context-free नहीं होगा. Table से हमने देखा था previous lecture में कि ये context-free नहीं होगा. तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. L1 कॉम्प्लीमेंट इज रेगुलर, L2 कॉम्प्लीमेंट इज रेगुलर. सो किसी भी कोई भी रेगुलर लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंटेशन के अंडर क्लोज होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है. तो जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं वो फर्स्ट एंड थर्ड है. किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के आपको वो टेबल जरूर याद होनी चाहिए जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऑपरेशन है जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्लोज होती है. सो देर आर वेरी फ्यू. लेट्स से यूनियन है जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्लोज होती हैं. कॉन्कैटिनेशन है जिसके अंदर क्लोज होती हैं. क्लीन्स क्लोजर है जिसमें वो क्लोज होती हैं. अगर हम किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का रेगुलर लैंग्वेज के साथ यूनियन ले रहे हैं तो भी वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा. इंटरसेक्शन ले रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज का तो वो भी क्लोज होगा. अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का और रेगुलर के साथ में तो ये भी क्लोज होता है. इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे. सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर यूनियन इंटरसेक्शन. नो दिस इज नॉट. यूनियन एंड क्लीन्स क्लोजर, यस दिस इज ट्रू. इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, नो. कॉम्प्लीमेंटेशन एंड क्लीन्स क्लोजर, नो. सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन. नो दिस इज द लैंग्वेज व्हिच सेज दैट द लैंग्वेज इज 0 पावर n, 1 पावर n एंड 2 पावर n, वेयर 1 इज लेस देन और इक्वल टू n, इज लेस देन और इक्वल टू 10^6. सो यहाँ पे जो कंपैरिजन वो 0, 1 और 2 में रिक्वायर्ड है, लेकिन ये बाउंडेड कंपैरिजन है. इसका मतलब क्या है कि जो n की वैल्यू है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 10^6. जब भी बाउंडेड कंपैरिजन होता है तो जो लैंग्वेज हो जाती है वो रेगुलर हो जाती है. सो यहाँ पे हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है और दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस वॉज द ग्रेट 2005 क्वेश्चन. Now let's see this question. This question is saying that L1 is W raised to the power R means the reverse of the reverse of the string W. So ये जो language हमारी है वो context free तो है but deterministic context free नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे mid point नहीं पता चलेगा कि कहाँ से मुझे reverse करना start करना है. तो let's say हमने एक example लिया कि we have A B A एंड देन इसी को हमने रिपीट कर दिया. लेट्स से दिस इज ABA. सो इसमें मुझे किस पॉइंट तक पुश करना है और किस पॉइंट से स्टार्ट करके पॉप करना है मुझे डिसाइडेड नहीं है, ये मुझे पता नहीं होगा. तो मैं बाउंड्रीज को शिफ्ट करके थोड़ा अलग अलग ऑपरेशंस कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने AB पुश कर लिया एंड देन बाकी को पॉप कर लिया एंड देन उसके बाद ABA को पुश कर लिया एंड देन बाकी को पॉप कर लिया. फाइन, केवल ए को पुश कर लिया और बाकी को पॉप कर लिया. सो हमारे पास कई सारी कंडीशंस होंगी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम इसको पुश डाउन ऑटोमेटाइज कर लेंगे. सो ये बाउंड्री चूंकि क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो ये कंटेक्स्ट फ्री तो है लेकिन ये डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री नहीं है. सो द स्टेटमेंट हमें ट्रू फाइंड करना है. तो यहाँ यहाँ कहा जा रहा है कि L1 इज डिटर्मिनिस्टिक CFL व्हिच इज रॉन्ग. नाउ L2 इज W#W^r. इसका मतलब क्या है कि हमने W एक लिया फिर इसका हैश आ गया फिर W^r आ गया. तो निश्चित रूप से हमें हैश एक बाउंड्री की तरह से ट्रीट होगा कि हैश से पहले तक सभी को हमें पुश करना है और हैश के बाद के सभी सिंबल्स को हमें पॉप करना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ABA देन हैश देन ABA.
सो पहले एक ए एक बी और ए को पुश कीजिए, हैश आया तो रुक जाइए और फिर नेक्स्ट से सिंबल से पॉप करना स्टार्ट कर दीजिए। सिंगल ए मैच होता है पॉप कर दीजिए, सिंगल बी मैच होता है पॉप कर दीजिए, सिंगल ए मैच होता है पॉप कर दीजिए। सो देयर इज अ क्लियर बाउंड्री डिफाइंड व्हिच इज हैश। सो वी विल से दैट द L2 इज डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्लू। व्हाट अबाउट L3? L3 इज WW, मतलब द सेम स्ट्रिंग हमारी, जैसे ABA एंड दैट्स ABA। फाइन, सो नाउ ये जो है स्ट्रिंग और ये जो स्ट्रिंग है, ये दोनों सेम स्ट्रिंग है, तो स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी पे हम ऐसा चेक कर सकते हैं कि जो जो चीज सीधी लिखी गई है वो उल्टी भी वही है कि नहीं, लेकिन जो चीज सीधी है उसको सीधी से कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा स्टैक बेस। तो इसका मतलब है कि L3 लैंग्वेज जो हमारी है वो कंटेक्स्ट फ्री नहीं है और ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, L3। तो ऑप्शन 2 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, दिस वाज द ग्रेट 2005 क्वेश्चन। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट L1 इज ए पावर एन, बी पावर एन एंड सी पावर एन, वेर एन एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट व्हाट दिस लैंग्वेज इज। सो ये जो लैंग्वेज हमारी है इसमें ए और बी का कंपैरिजन हो रहा है, बट एम का सी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि L1 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, L1 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। सेकेंड वाला अगर हम देखें तो सेकेंड वाला ये कह रहा है कि ए का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बी और सी का कंपैरिजन है, सेम नंबर ऑफ बी सेम नंबर ऑफ सी होने चाहिए। तो ठीक है, ये कंपैरिजन पॉसिबल है, डोंट टेक एनी एक्शन एट ए, बट जैसे बी आए उसको पुश कर दीजिए, जैसे सी आए उसको पॉप करना स्टार्ट कर दीजिए, एंड में स्टैक एम्प्टी होगा, तो इसका मतलब है कि हमने इसका आइडेंटिफाई कर लिया कि कंटेक्स्ट फ्री है। सो L2 भी कंटेक्स्ट फ्री हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं, तो चूंकि L1 और L2 दोनों कंटेक्स्ट फ्री है, तो L1 इंटरसेक्शन कंटेक्स्ट फ्री नहीं होगा, क्योंकि दिस कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज्ड अंडर द इंटरसेक्शन। नाउ L1 यूनियन L2 इज अ कंटेक्स्ट फ्री, यस दिस इज करेक्ट। L1 एंड L2 आर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। L1 इंटरसेक्शन L3 L2 इज अ कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, वी कांट से दिस, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज नॉट पॉसिबल और दिस कैन नॉट बी ऑलवेज सेट ट्रू। सो ये जो ऑप्शन बी और सी हैं दे आर द करेक्ट ऑप्शंस। लेट्स सी अनदर वन। सो हियर इट इज आस्किंग दैट देयर इज अ लैंग्वेज ए पावर एम, बी पावर एम और सी पावर एम प्लस एन, वेयर एम एंड एन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो यहां कहा जा रहा है कि ए और बी की जो क्यूमुलेटिव संख्या है वो सी के इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जितने ए आएंगे उसको पुश कर लेंगे, जितने बी आएंगे उनको पुश कर लेंगे, और जब हम सी को आएगा तो पॉप करना स्टार्ट करेंगे। अगर सी की संख्या एग्जैक्टली ए और बी के इक्वल है तो स्टैक लास्ट में एम्प्टी बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसके लिए पीडी डिजाइन कर सकते हैं, तो इससे ये कंटेक्स्ट भी हमारी लैंग्वेज हो गई। सो दिस लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री, ऑब्वियसली नॉट रेगुलर, रेगुलर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ये, और कंटेक्स्ट सेंसिटिव है और कंटेक्स्ट नॉट कंटेक्स्ट फ्री ये कहना भी गलत है। टाइप जीरो बट नॉट कंटेक्स्ट सेंसिटिव, तो टाइप जीरो तो मतलब हो गया कि ये अगर हम एक टॉम्स की हायरार्की को ध्यान से देखें, टॉम्स की हायरार्की में ये जो फोर पार्ट्स हैं इसमें हम कह रहे हैं कि दिस इज टाइप 3, दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप 1 एंड दिस इज टाइप 0। सो टाइप 3 इज रेगुलर, टाइप 2 इज कंटेक्स्ट फ्री, टाइप 1 इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव एंड दिस इज अनरेस्ट्रिक्टेड। ओके, सो व्हाट व्हाट इज सेइंग दैट टाइप 0 बट नॉट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। सो ये अनरेस्ट्रिक्टेड है ये कहना गलत है, क्योंकि कोई भी अगर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो कोई भी लैंग्वेज अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो वो टाइप 0 तो जरूर है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो टाइप 1 नहीं। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर ये स्टेटमेंट ऐसा होता कि टाइप 0 एंड टाइप 1 तो ये करेक्ट होगा, लेकिन चूंकि ये कह रहा है कि टाइप 0 तो है लेकिन टाइप 1 नहीं है, तो ये इसलिए गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। सो दिस वाज द गेट 2004 क्वेश्चन। सो वी विल टेक मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।